नमस्कार केम छे गुजरात में ठंडी वंडी है कि नहीं गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी मुख्यमंत्री श्रीमान विजय भाई रूपाणी विधानसभा स्पीकर श्री राजेंद्र त्रिवेदी जी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी डिप्यूटी सीएम भाई नितिन पटेल जी मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्रीमान अश्विनी चौबे जी मनसुख भाई मांडविया पुरुषोत्तम रूपाला गुजरात सरकार में मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा श्री किशोर कानानी अन्य सभी मंत्रीगण सांसदगण धार अन्य सभी महानुभाव भाइयों और बहनों नया साल दस्तक दे रहा है आज देश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने वाली एक और कड़ी जुड़ रही है राजकोट में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का शिलान्यास गुजरात के साथ साथ पूरे देश में स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन के नेटवर्क को उसके कारण बल मिलेगा भाई और बहनों साल 2000 को 20 को एक नई नेशनल हेल्थ फैसिलिटी के साथ विदाई देना इस साल की चुनौतियों को भी दर्शाता है और नए साल की प्राथमिकताओं को भी स्पष्ट करता है ये साल पूरी दुनिया के लिए स्वास्थ्य के रूप में अभूतपूर्व चुनौतियों का साल रहा है इस साल ने दिखाया है कि स्वास्थ्य ही संपदा है ये कथा हमें हमारे पूर्वजों ने क्यों सिखाई है ये हमें बार बार क्यों रटाया गया है ये 2020 ने हमें भली भांति सिखा दिया स्वास्थ्य पर जब चोट होती है तो जीवन का हर पहलू बुरी तरह से प्रभावित होता है और सिर्फ परिवार नहीं पूरा सामाजिक दायरा उसकी लपेट में आ जाता है और इसलिए साल का यह अंतिम दिन भारत के उन लोग लाखों डॉक्टर्स हेल्थ वॉरियर्स सफाई कर्मियों दवा दुकानों में काम करने वाले और दूसरे फ्रंटलाइन कोरोना योद्धाओं को याद करने का है जो मानवता की रक्षा के लिए लगातार अपने जीवन को पर जीवन को दांव पर लगा रहे हैं पथ पर जिन साथियों ने अपना जीवन दे दिया है मैं आज उन सब को आदरपूर्वक नमन करता हूं आज देश उन साथियों को उन वैज्ञानिकों को उन कर्मचारियों को भी बार बार याद कर रहा है जो कोरोना से लड़ाई के लिए जरूरी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में दिन रात जुटे रहे हैं आज का दिन उन सत्पी साथियों की सराहना का है जिन्होंने इस मुश्किल दौर में गरीब तक भोजन और दूसरी सुविधाएं पहुंचाने में पूरे समर्पण के साथ काम किया इतना लंबा समय इतनी बड़ी आपदा लेकिन ये समाज की सामूहिक संगठित ताकत समाज का सेवा भाव समाज की संवेदनशीलता उसी का नतीजा है कि देशवासियों ने किसी गरीब को भी इस कठिनाई भरे दिनों में रात को भूखा सोने नहीं दिया ये सब नमन के पात्र हैं आदर के पात्र हैं साथियों मुश्किल भरे इस साल ने दिखाया है कि भारत जब एकजुट होता है तो मुश्किल से मुश्किल संकट का सामना को उस सामना वो कितनी प्रभावी तरीके से कर सकता है भारत ने एकजुटता के साथ जिस प्रकार समय पर प्रभावी कदम उठाए उसी का परिणाम है कि आज हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं जिस देश में 130 करोड़ से ज्यादा लोग हों घनी आबादी हो वहां करीब करीब एक करोड़ लोग इस बीमारी से लड़कर जीत चुके हैं कोरोना से पीड़ित साथियों को बचाने का भारत का रिकॉर्ड दुनिया से बहुत बेहतर रहा है वहीं अब संक्रमण के मामले में भी भारत लगातार नीचे की तरफ जा रहा है भाइयों और बहनों साल 2020 में संक्रमण की निराशा थी चिंताएं थी चारों तरफ सवालिया निशान थे 2020 की वो पहचान बन गई लेकिन 2021 इलाज की आशा लेकर के आ रहा है वैक्सीन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारियां चल रही हैं भारत में बनी वैक्सीन तेजी से हर जरूरी वर्ग तक पहुंचे इसके लिए कोशिशें अंतिम चरणों में हैं दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने के लिए भारत की तैयारियां जोरों पर है मुझे विश्वास है कि जिस तरह बीते साल संक्रमण से रोकने के लिए हमने एकजुट होकर प्रयास किए उसी तरह टीकाकरण को सफल बनाने के लिए भी पूरा भारत एकजुटता से आगे बढ़ेगा साथियों गुजरात में भी संक्रमण को रोकने के लिए और अब टीकाकरण के लिए तैयारियों को लेकर प्रशंसनीय काम हुआ है बीते दो दशकों में जिस प्रकार का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरात में तैयार हुआ है वो एक बड़ी वजह है कि गुजरात कोरोना चुनौती से बेहतर तरीके से निपट पा रहा है एम्स राजकोट गुजरात के हेल्थ नेटवर्क को और सशक्त करेगा मजबूत करेगा अब गंभीर से गंभीर बीमारियों के लिए राजकोट में ही आधुनिक सुविधा उपलब्ध हो रही है इलाज और शिक्षा के अलावा इससे रोजगार के भी अनेक अवसर तैयार होंगे नए अस्पताल में काम करने वाले लगभग पांच हजार सीधे रोजगार उपलब्ध होंगे इसके साथ साथ रहन सहन खाने पीने ट्रांसपोर्ट दूसरी मेडिकल सुविधाओं से जुड़े अनेक अप्रत्यक्ष रोजगार भी यहाँ बनेंगे और हमने देखा है कि जहाँ बड़ा अस्पताल होता है तो उसके बाहर एक छोटा शहर ही बस जाता है भाइयों और बहनों मेडिकल सेक्टर में गुजरात की इस सफलता के पीछे दो दशकों का अनवरत प्रयास है समर्पण और संकल्प हैं बीते छह सालों में पूरे देश में जिस इलाज और मेडिकल एजुकेशन को लेकर जिस केल पर काम हुआ है उसका निश्चित लाभ गुजरात को भी मिल रहा है